अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और वीडियो में आई वेलकम ऑल ऑफ यू। बात करूंगा आपसे इस वीडियो में आज एक और बहुत ही शानदार कोर्स के बारे में और एक बहुत ही शानदार प्राइवेट इंस्टीट्यूट के बारे में। इंडिया का टॉप मोस्ट प्राइवेट इंस्टीट्यूट है दोस्तों, ये नाम है टिस, इन शॉर्ट इसके फुल फॉर्म है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज। इंडिया का वेल नोन दोस्तों प्राइवेट इंस्टीट्यूट है ये, डीम्ड मतलब यूनिवर्सिटी है। बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं, चार कैंपस हैं इनके। आज बात करूंगा इस कोर्स के बारे में, वो मतलब मुंबई कैंपस के बारे में बात करूंगा आपसे। तो कोर्स का आज जो बात करूंगा उसका नाम है मास्टर ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। काफी ज्यादा दोस्तों बढ़िया कोर्स है, मुझे तो काफी स्कोप लगता है इस कोर्स के अंदर, क्योंकि जिस स्पीड से बीमारियां आजकल बढ़ रही हैं, नए नए अस्पताल खुल रहे हैं, तो वहां पर अच्छे जो मैनेजमेंट जानते हैं बंदे, जो अस्पताल को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, उनकी जरूरत पड़ती है। डॉक्टर सारा काम खुद नहीं करते यार, पेशेंट देखेंगे या मैनेजमेंट करेंगे, दोनों काम तो वो नहीं कर सकते। और डॉक्टर्स को जरूरी नहीं कि बहुत ही अच्छे मतलब मैनेजमेंट भी उनको आता हो, को उनकी फील्ड मैनेजमेंट है ही नहीं। ये हम लोगों को एक जो है एक मिथ है बाहर के, डॉक्टर बड़ा जानते हैं, वो अपनी फील्ड के बारे में जानते हैं जो काम करता है, तो उनको उनका मेन काम है, कोर काम है मतलब पेशेंट को देखना। तो उनको ऐसे बंदे चाहिए होते हैं जो प्रॉपर जो उनका अस्पताल है उसको मैनेज बढ़िया से वो कर पाए। तो यहाँ पर वो सारा आपको सिखाया जाएगा इस कोर्स के अंदर, ताकि आप अच्छे से आपको समझ में आ जाए कैसे उसको मैनेज किया जाता है। दोस्तों एमबीए जैसे एमबीए करते हैं मैचे में, तो यहाँ पर एमबीए नहीं, मतलब एमबीए नहीं है, लेकिन सारा कंटेंट आपको वही मिलने वाला है। और अगर आप टिस से कर लेंगे तो बहुत ज्यादा, क्योंकि इनकी बहुत रेपुटेशन है, बहुत ज्यादा मतलब आपको आराम से इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा, सब कुछ आप बड़े आराम से कर पाएंगे। और जॉब भी मुझे पूरी उम्मीद है कि यहां से अगर आपने कर लिया तो 100% आपकी जॉब बहुत ही आसानी से लग जाएगी, इवन कैंपस प्लेसमेंट भी आपका आसानी से हो सकता है। दोस्तों बात कर लेते हैं इस कोर्स में कितनी सीट्स आपको यहाँ मिलती हैं। तो सीट्स यहाँ पर काफी ज्यादा कम है, ये वैसा प्राइवेट नहीं है कि जो आए उसको भर लें। तो यहाँ दोस्तों सीट्स हैं ओनली 60 सीट्स आपको यहाँ मिलती है, तो कॉम्पिटिशन यहाँ पर ठीक ठाक रहेगा, इस बात का आप ख्याल जरूर रखें। दोस्तों बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। उसकी जो एलिजिबिलिटी है उसमें दो दोस्तों पॉइंट है। आपने 3 साल का बैचलर किया है किसी भी डिसिप्लिन में, आपका आप इसमें बिल्कुल एलिजिबल हैं। पॉइंट नंबर 2 है, आपने बैचलर डिग्री किया हुआ है मेडिसिन में, पैरामेडिकल साइंसेज या और कोई भी 4 साल का आपने किया हुआ है मतलब प्रोग्राम, चाहे वो मतलब फार्मेसी में हो या वेटरनरी साइंस के अंदर हो, इंजीनियरिंग में हो, लॉ में हो, आप इस कोर्स के अंदर टोटली एलिजिबल हैं। दोस्तों बात करते हैं अगला पॉइंट है फीस। फीस के बारे में बात करूंगा आपसे, इसकी टोटल जो फीस है, जो ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट है इंडिया का टॉप मोस्ट में आता है भाई, ध्यान रखें, उसके हिसाब से इसकी फीस ज्यादा नहीं है। अगर आप एमबीए करते हैं ना किसी भी मतलब सी ग्रेड के भी, अगर आप मतलब कॉलेज से एमबीए अगर आपने किया है, तो वहां भी आपको 2 साल में लगभग 3 से 4 लाख तो फीस पे करने होगी। मैं बात करूँ सी ग्रेड कॉलेज की, और अगर आप जाएंगे ए ग्रेड में तो मान चले फीस ही फीस आपकी होगी हमसे 8 से 9 लाख रुपए, मतलब कम से कम बता रहा हूँ, ज्यादा भी हो सकती है। यहाँ दोस्तों फीस है 2 साल की 1,45,000 रुपीज, जो कि 4 सेमेस्टर में डिवाइडेड है। पहले सेमेस्टर में आपको पे करना है 51,500, सेकेंड सेमेस्टर में 27,500, थर्ड सेमेस्टर में यू विल बी पेइंग 39,000 एंड इन द फोर्थ सेमेस्टर यू विल बी पेइंग 27,000। तो इन टोटल यू विल बी पेइंग 1,45,000 फॉर द होल कोर्स, विच इज इन माई ओपिनियन इज अ वेरी वेरी लो अमाउंट गिवन द रेपुटेशन इट हैज। बहुत ही अच्छा दोस्तों ये इंस्टीट्यूट है। दोस्तों यहाँ पर एक बात और है, अगर आप क्योंकि इस कोर्स में अंदर आपको जो फील्ड वर्क होगा, स्टडी टूर होगा, अर्बन फील्ड वर्क होगा, विंटर इंस्टीट्यूट जो भी करना सारा, वो सब उसका पैसा आपको पे करना पड़ेगा, उसमें फीस में से उसमें आपको पैसा नहीं मिलने वाला है। दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर हॉस्टल के बारे में। दोस्तों यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं दिया गया, इसलिए मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। तो बात कर लेते हैं इसका जो पेपर होगा इसका 100 मार्क्स का, और इसका सिलेबस मैं आपको बता देता हूँ। सिलेबस दोस्तों क्या है, 100 सवाल आपको आएंगे, उसमें रीजनिंग होगी, मैथमेटिक्स होगी, जीके होगी, कंप्यूटर बेसिक्स होगा, उसमें लॉजिकल रीजनिंग होगी, और सारे ही सवाल जो है वो मैंडेटरी हैं, कोई चॉइस नहीं है। और आपको जो मतलब आपको लैंग्वेज में एक चूज करना है, हिंदी या इंग्लिश, अब आपको बता देता हूँ दोस्तों। और जो सारे सवाल होंगे ना, वो सारे सवाल होंगे दो भाषा में होंगे, जो कि आप अपने उसमें चूज करेंगे, तो बाईलिंगुअल होंगे। तो सिलेबस दोस्तों इंग्लिश में इंग्लिश ग्रामर है, जंबल पैरा सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराग्राफ कंप्लीशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम सिनोनिम और इडियम फ्रेजेस। उसके बाद दूसरा दोस्तों जो है जीके, उसमें आपको जीके में आपको आएगा लिटरेचर है, हिस्ट्री है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पर्सनैलिटी, स्पोर्ट्स,
नेशनल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमी, इकोनॉमिक साइंस, पॉलिटिक्स, ट्रेड अवेयरनेस, ज्योग्राफी, कल्चर, ये दोस्तों आपको जीके का सिलेबस है। सो कंप्यूटर बेसिक्स है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स है, कंप्यूटर एब्रिविएशन है, शॉर्ट कीज है, माइक्रो विंडोज है, ऑफिस है, एमएस वर्ड, मतलब पूरा ये आपको उसी में आ जाएगा। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, स्टोरेज डिवाइसेज, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेज, इंटरनेट, कंप्यूटर के नेटवर्क, वेबसाइट, वेब ब्राउजर, वायरस, ये सब आपको आएगा कंप्यूटर में। उसके बाद जो आपका रीजनिंग है, क्लॉक है, वहाँ कैलेंडर है, एवरेज, सिंप्लीफिकेशन, मतलब ये दो उसमें आ गया आपका, क्वांट में आ जाएगा सारा ये। प्रॉब्लम ऑफ ऑल एजेस, नंबर ट्रेन, एलसीएम, एससीए, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, पार्टनरशिप, कंपाउंड इंटरेस्ट रेशियो एंड मतलब प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, पाइप स्टर्न, टाइम डिस्टेंस, स्टॉक एंड शेयर, दोस्तों डिबेंचर, ज्योमेट्री, मैंसुरेशन, सेट एंड यूनियन, परमुटेशन, ये सब सारा दोस्तों आपको मैथमेटिक्स में दोस्तों आपको आएगा। सो रीजनिंग में आपको आएगी रैंकिंग टेस्ट है, लीनियर अरेंजमेंट है, मैट्रिक्स का अरेंजमेंट है, स्टेटमेंट असम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशनशिप, कोडिंग डिकोडिंग, ये सब जो रीजनिंग में होते हैं वो सब आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा और सौ सवाल आपको पेपर में यहाँ पर मिलेंगे। दोस्तों आज के फॉर्म आए हुए सीयूटी के, तो अगर आपको भरना है तो फॉर्म जाके भर दिए, तैयारी में लग जाइए, बहुत ही बढ़िया कोर्स है। बढ़िया जॉब अगर आपको चाहिए किसी प्राइवेट से करना है तो ये कोर्स बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। जॉब मेरे ख्याल से बहुत ही आसानी से आपको मिल जाए, क्योंकि मैं इस फील्ड में काफी ज्यादा स्कोप देखता हूँ। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, खुदा हाफिज़।